हमीरपुर में प्रशासन की एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई है। शिमला धर्मशाला नेशनल हाईवे पर हमीरपुर के बस अड्डे के ठीक सामने सड़क के बीचों बीच अधिक बरसात होने के कारण सीवरेज ओवरफ्लो बह रहा था और सीवरेज का ढक्कन भी ऊपर की ओर उठ गया था, जिसे सीमेंट के साथ बार बार बंद करवाने के बाद भी वह ठीक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से बारिश के चलते ओवरफ्लो पानी बह रहा है। सीवरेज का पानी इतनी तेजी से ओवरफ्लो हो रहा है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सड़क के बीचों बीच एक फुहारा लगाया गया हो, जो वाहन चालकों और राहगीरों के लिए खतरे का सबब बना हुआ है, जिससे बरसात के दौरान प्रशासन के द्वारा की गई तैयारियों पर एक बार फिर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। लोगों का कहना है कि इस सीवरेज को जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए, नहीं तो इसकी वजह से बारिश के दौरान कोई बड़ा हादसा हो सकता है।